दिल्ली पुलिस ने आज पहलवानों के WFI के पूर्व अध्यक्ष पर लगाए गए यौन शोषण के आरोपों पर अपनी चार्जशीट दाखिल कर दी है। दरअसल हम आपको बताते चलें, पहलवानों ने बीते महीने भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व चीफ ब्रजभूषण शरण सिंह पर उनके यौन शोषण के आरोप लगाए थे। इसके बाद दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रही थी और आज उसने इन आरोपों पर 15 जून को राउज एवेन्यू कोर्ट में अपनी 1000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है। वहीं पॉक्सो मामले में ब्रजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत मिली हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली पुलिस ने पॉक्सो मामले में पटियाला हाउस में कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की है। इस रिपोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा है कि उनके खिलाफ इस केस में कोई भी सबूत नहीं मिला है, लिहाजा इस मामले की जांच बंद कर रहे हैं। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट को संज्ञान लेते हुए मामले की अगली सुनवाई 4 जुलाई तय की है। आइए हम आपको बताते हैं कि मजिस्ट्रेट के सामने क्या बोली पहलवान। दिल्ली पुलिस ने अपनी जांच रिपोर्ट में नाबालिग के बयान और अब तक की गई जांच को लेकर अपनी रिपोर्ट दाखिल की। सूत्रों के मुताबिक नाबालिग ने ब्रजभूषण सिंह शरण पर लगाए गए यौन शोषण के आरोप पहले ही वापस ले लिए हैं। नाबालिग ने मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए अपने पहले बयान में यौन शोषण की बात कही थी। वहीं दूसरे बयान में नाबालिग ने यौन शोषण का आरोप वापस लेते हुए कहा कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, मैंने बहुत मेहनत की थी, मैं डिप्रेशन में थी, इसलिए गुस्से में यौन शोषण का मामला दर्ज करा दिया था। दरअसल बीते 23 अप्रैल को देश के शीर्ष पहलवान विनेश फोगाट, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक, ब्रजभूषण सिंह शरण के ऊपर यौन शोषण के आरोप लगाते हुए धरने पर बैठ गए और उनके इस्तीफे की मांग करने लगे थे। इसके बाद उन्होंने ब्रजभूषण सिंह शरण पर यौन शोषण के आरोप लगाए, जिस पर दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज करते हुए मामले की जांच शुरू कर दी थी। मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ पॉक्सो एक्ट को वापस लेने की सिफारिश की है। पुलिस की तरफ से कहा गया है कि पॉक्सो एक्ट में ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, ऐसे में ब्रजभूषण शरण सिंह के ऊपर से पॉक्सो एक्ट हटा दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर एक्सपर्ट।